guys, good morning. After a long journey, हम लोग ने पूरी रात proper rest किया and अभी हम लोग ready है all to go for the beach. And हम लोग कौन से beach जा रहे हैं? Erumbal beach. हम लोग जा रहे हैं Erumbal beach. अभी हम जिस बीच पे जा रहे हैं और ये Erumbal बीच है. यहाँ पे लोग अक्सर मेडिटेशन के लिए आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स, बिकॉज कि ये पीसफुल प्लेस है एकदम. यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ एंड ऑल नहीं होता है, जस्ट एकदम शांत है एंड जस्ट फॉर फन घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग. और पूरा बीच खाली है, देख लीजिए, सिर्फ हमारे लिए, निर्वाह, सिर्फ तुम और मैं. How do you feel now? मस्त लग रहा है एकदम. अच्छा लग रहा है. ऊपर ही फीलिंग ही नहीं आ रही, इतना ठंडा हवा आ रहा है. मजा आ रहा है. और पूरा बीच खाली है. मजा आ रहा है. मैंने 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 प्राइवेटली इसको हायर किया तुम्हारे लिए. इसने ड्रिंक किया है या नहीं कमेंट में जरूर बताना. इसकी आंखें देखना, जरूर देखना एकदम घूर घूर के. वो पता नहीं चलता है. इसने ड्रिंक किया, मैं बोल रही हूँ इसने ड्रिंक किया है. सुबह में मत जो पमाद उठाना वेरमणि सिक्का बदम. अरे यार हम लोग गोवा भी चाहे हैं. तो व्हाई आर यू टेलिंग पीपल इसने ड्रिंक किया है नहीं. Thank you.
50 रुपीस का सिर्फ हमने खरीदा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, स्टोन वाला है सिर्फ। बट बार्गेनिंग सौजी ने की। 240 बोला उसने, 240। कैन बिलीव इट। 240 बोला उसने और उसने 150 में दिया। हो सकता है शायद वो और कम कर देता, बट मैंने बोला जाने। ठीक है यार, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है स्टोन का है, काफी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। तोड़ के भी दिखाया, टूटा नहीं। वो सब तो ठीक है, बट अच्छी क्वालिटी का है और शाइनिंग भी अच्छी है। 150 का 12 पीसेस। हम लोग दो बीचेस घूम चुके हैं अभी तक, एक आरामगढ़ बीच और दूसरा, दूसरा याद नहीं आ रहा नाम मुझे, अभी उसको पता होगा। हम लोग फ्रेश हुए घर आके, बिकॉज पूरी गीली गीली हो गई थी मैं। आरामगढ़ बीच में मैंने बहुत मस्ती किया एंड अभी हम लोग फिर से निकले हैं फ्रेश होके। पहले कुछ खाएंगे एंड देन मे बी गोवा बीच जाएंगे, और है दो तीन बीचेस पता नहीं। और हमारे जनाब की तैयारी है ना मुझसे लेट, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा था। देखते अभी आएगा ना पता चलेगा। चाबी तुम्हारे पास है? हाँ है मेरे पास चाबी। हो गई तैयारी तुम्हारी? मेरी क्या तैयारी? हाँ शायद मेरे से लेट हो गया तुमको। चाबी दो, मैं चलाती हूँ, पकड़ो। तुम चलाओगी? ओके, इसे क्या बंद करना है? रखना guys, right now we are at Kalinget beach and ye beach is most visited beach hai. Just look at the crowd. Waiting वैसे ही है जैसे जुहू में होता है, बट यहाँ का क्लाइमेट और जुहू का क्लाइमेट में डिफरेंस है। तो यू मस्ट विजिट दिस कोर्स सेशन के लिए बहुत सारी। एंड जो मैंने आपको पहले भी बताया बागा बीच, तो बागा बीच पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। बट उससे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे है। हाँ उससे ज़्यादा यहाँ पे है। हाँ बट अगर आप एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको कलिंग बीच में आना चाहिए, राइट। और शॉपिंग भी बहुत कुछ है, अगर शॉपिंग करनी है ना, जिसने गोवा तक अगर शॉपिंग नहीं की हो और उसे शॉपिंग करनी है ना, तो पहले इधर विजिट करो, कैलिंगट बीच विजिट करो। बाहर शॉपिंग बहुत चीज़ है एंड वेरी सस्ता। ओके मजा आया शॉपिंग के लिए काफ़ी। फिर यहाँ शॉपिंग करके ये कैलिंगट बीच एक्सप्लोर करके फिर बाकी जगह घूमना आराम से। Aquí a todos.